येस, वेलकम टू एनी टाइम एजुकेशन। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे हाउ टू फाइंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स, यानी प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स और न्यूट्रॉन्स को हम कैसे निकाल सकते हैं, हम ये फाइंड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम कैलकुलेट करते हैं। देखो, कैलकुलेट करने से पहले आपको समझना पड़ेगा कि क्या रिलेशनशिप होता है, क्या कोई सिंबल या फिर कोई नोटेशन होता है जिसमें दिया होता है कि एटॉमिक नंबर या मास नंबर कहाँ पर है। तो येस, एक नोटेशन होता है जो कि आप इसमें देख सकते हैं, यहाँ पर जो बनाया हुआ है। जैसे ये सिंबल है कार्बन, इसके नीचे लिखा हुआ है 6, तो जो ये नीचे वैल्यू लिखी होती है ये होता है एटॉमिक नंबर। उसी तरह जो ये वैल्यू ऊपर लिखी होती है लाइक 12, ये होता है हमारे पास मास नंबर। ठीक है, यानी आपके पास अगर ऐसे लिखा हुआ है कार्बन और साथ में लिखा हुआ है यहाँ पे 6 और यहाँ पे 12, इसका मतलब ये जो वैल्यू है दिस विल गिव यू एटॉमिक नंबर, ये रिप्रेजेंट करेगा एटॉमिक नंबर को। उसी तरह ऊपर वाली वैल्यू किसको रिप्रेजेंट करती है, ये आपकी रिप्रेजेंट करेगी मास नंबर को, दिस विल रिप्रेजेंट मास नंबर ऑफ द एलिमेंट। क्लियर हो गया आपको? अब मान लो यही क्वेश्चन आता है हमारे पास कि इसी क्वेश्चन में हमें फाइंड करना है, लाइक वी आर गिवन दिस क्वेश्चन कि एक सिंबल दिया हुआ है कार्बन, यहाँ पे लिखा हुआ है 6 और यहाँ पर 12, तो हमें फाइंड करना है फाइंड द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। तो हमने प्रीवियस वीडियो में क्या देखा था कि जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो किसके इक्वल होता है, एटॉमिक नंबर के। इट मींस एटॉमिक नंबर कौन सा है, ये नीचे वाला नंबर है, सो एटॉमिक नंबर विल बी इक्वल टू 6। इसका मतलब है एटॉमिक नंबर 6 है, तो इसका क्या मतलब हुआ कि जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं हमारे पास, प्रोटॉन्स भी कितने हो जाएंगे 6, और क्योंकि ये न्यूट्रल एटम है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज ऑल्सो इक्वल टू 6, ये भी किसके इक्वल होगा 6 के। तो इस तरह हमने कैलकुलेट कर लिया प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अब क्या रह गया, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालने, उसके लिए हम चेक करेंगे मास नंबर। नाउ मास नंबर कहाँ लिखा हुआ है, मास नंबर आपका 12 दिया हुआ है, सो मास नंबर इज इक्वल टू 12। अब प्रीवियस वीडियो में हमने क्या पढ़ा था कि मास नंबर, मास किसकी वजह से होता है, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की वजह से। मास नंबर इज द सम ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, इट मीन्स प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स इट विल बी इक्वल टू 12। सो प्रोटॉन्स किसके इक्वल है, प्रोटॉन्स होता है एटॉमिक नंबर के इक्वल। प्रोटॉन्स किसके ऊपर होते हैं, प्रोटॉन्स क्या बताते हैं, एटॉमिक नंबर के बारे में, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर और वो 6 है, तो आपके पास क्या आ जाएगा यहाँ पे 6 प्लस न्यूट्रॉन्स को एन मान लेते हैं इज इक्वल टू 12, तो एन आ गया यहाँ पे 12। इट मीन्स जो हमारे पास न्यूट्रॉन्स हैं, न्यूट्रॉन्स हमारे पास कितने आ गए, वो 12 आ गए। तो हमारे पास तीनों वैल्यूज आ चुकी हैं, प्रोटॉन्स आ गए 6, इलेक्ट्रॉन्स आ गए 6, और हमारे पास, सॉरी, यहाँ पर हमारे पास जो है मिस्टेक हो गई है, यहाँ पे हमारे पास न्यूट्रॉन्स भी कितने आ गए हैं, न्यूट्रॉन्स आ गए हैं हमारे पास 6। ठीक है, तो ये हमारा पूरा यहाँ पे कंप्लीट हो गया है कि प्रोटॉन्स कैसे निकालने हैं, इलेक्ट्रॉन्स कैसे निकालने हैं और न्यूट्रॉन्स कैसे निकालने हैं। क्लियर हो गया? नाउ अब हमारे पास क्वेश्चन किसी और फॉर्म में भी आ सकता है, वो देखते हैं कैसे आ सकता है। हमारे पास क्वेश्चंस के फॉर्मेट अलग अलग आ सकते हैं। अब यहां पर क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि लेट से वी आर गिवन मास नंबर, मास नंबर हमारे पास गिवन है लेट से 35, एंड वी आर गिवन एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर इज लेट से गिवन है 17, सो वी हैव टू फाइंड द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। ठीक है, ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के इक्वल होता है, इट इज ऑल्सो इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो इसका मतलब हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स इन दोनों की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, जो एटॉमिक नंबर है डेट इज 17। क्लियर हो गया, ये दोनों तो आ गए। अब मास नंबर का हम सेम लगाएंगे फॉर्मूला। नाउ मास नंबर इज इक्वल टू प्रोटॉन्स, इट इज इक्वल टू द सम ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, इसके इक्वल होगा ये। ठीक है, तो मास नंबर किसके इक्वल है, यहाँ पे मास नंबर है हमारे पास कितना 35, सो 35 इज इक्वल टू प्रोटॉन्स कितना है,
अब प्रोटॉन्स एटॉमिक नंबर के इक्वल है तो 17 + n, तो न्यूट्रॉन्स कितने आ जाएंगे, 35 - 17, दिस कम्स आउट टू बी 18. सो हमारे पास न्यूट्रॉन्स कितने आ गए, 18. तो इस तरह का भी क्वेश्चन आ सकता है. सो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि इस चैप्टर में किस तरह निकालने हैं आपको प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स. आई होप आपको सारा टॉपिक क्लियर हो गया है. वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं, और चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं. थैंक यू.